लाख को और तमाम उन लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था उनको मार दिया गया। साथियों, इस देश के अंदर आज जिस तरह की चीजें, जिस तरह के काम वर्तमान सरकार कर रही है और उसका पिट्ठू संगठन आरएसएस जो कर रहा है, उसको मैं करार जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आज का समय वो आ चुका है कि जब तेलुगु में एकता, दलित आदिवासी एकता और वो सब मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो आरएसएस वीएसपी और बजरंग दल के द्वारा जिनको सताया जा रहा है, जिनको सिस्टम के अंदर बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में घटना घटी, एक नोटिस जर्नलिस्ट गौरी लंकेश को शूट कर दिया गया। साथियों, आज हम जब यहाँ पर हैं तो हम लोग उस आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं जिसकी आवाज, जिसकी धुन, जिसकी ध्वनि मोदी सरकार के कान में जाकर के रुकेगी। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार में किस तरीके से एट्रोसिटी के केसेस बढ़े हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे देश के अंदर में आपकी जो है बीजेपी गवर्नमेंट। साथियों, अगर देखा जाए कि किस तरह से यूपी के अंदर ठाकुरों ने अभी मुजफ्फरनगर में जो हुआ या फिर सहारनपुर के अंदर जो हुआ, किस तरीके से अपनी कास्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जाति को प्रैक्टिस कर रहे हैं और तमाम दलित लोगों पर, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, हमें जानना होगा और उस दुश्मन को पहचानना होगा जिन्होंने इस देश के अंदर दलित मुस्लिम एकता में बाधा उत्पन्न करी है। और एक वोकलाइजेशन के माध्यम से, वोकलाइजेशन क्या होता है साथियों? वोकलाइजेशन वो होता है जब बजरंग दल और वीएचपी किसी गांव में जाकर के या किसी शहर के छोटे से लगे हुए कस्बे में जाकर के लोगों को बताते हैं कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत सही नहीं है। मुसलमान लोग इस तरह की चीजें करते हैं। साथियों, मैं एक मैसेज बता देना चाहता हूँ कि आप ये समय जल्दी ही खत्म होगा। क्योंकि जब जब दलित मुस्लिम एकता अपने रुआब पर हुई है तो धूल चटा करके गई है, चाहे यूपी हो, चाहे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। साथियों, आपको जरूरत है जानने की और इस युवा जो बीएसपी यूथ के बैनर के तले आज ये प्रोग्राम हो रहा है, वो जो कार्यक्रम, वो जो सभा का जो आयोजन हो रहा है, वो गौरी लंकेश और अनिता को लेकर के हो रहा है। साथियों, हम लोग जब सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जब हम लोग उस स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम और स्ट्रक्चर दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि वही स्ट्रक्चर है जब यहाँ की ताकतें भूलती है कि हम लोग संविधान बदले। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आपके अंदर भी इतनी काबिलियत और कुव्वत नहीं है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बदल दें। क्योंकि उसको लिखने के लिए आपको नेहरू जैसे या गांधी जैसे लीडर, सोकॉल्ड लीडर, या फिर राहुल गांधी जैसे सोकॉल्ड लीडर, या फिर शशि थरूर जैसे सोकॉल्ड लीडर, या फिर नरेंद्र मोदी जैसे फैमिली लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए तमाम वो डिग्री जो बाबा साहब ने हासिल करी थी, वो एक्सपीरियंस जो बाबा साहब ने गेन किया था, वो चीजें जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर दी है, उस पर पहुंचना पड़ेगा। और उस पर पहुंचने के साथ साथ उस स्ट्रक्चर को समझना होगा, उस सिस्टम को समझना होगा जो हमेशा से दलितों की भेंट मांगता है, मुस्लिमों की भेंट मांगता है। साथियों, मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि गौरी लंकेश जो हमेशा से हिंदुत्व फांसीवादी ताकतों पर हमेशा से लिखती रही है, उन्होंने अपने शब्दों से उस हैजमनी को, उस वर्चस्व को चैलेंज किया है और उसको सोच में मजबूर किया है लोगों को कि इस देश के अंदर फांसीवादी ताकतें क्या है। साथियों, फांसीवाद कभी भी ऐसे नहीं कि ऊपर से आएगा और आपको दिखाई नहीं देगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले जरूर एक माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस की होती है। कैसे उसका एनालिसिस किया जाएगा? जुनेद को
मार दिया जाता है। साथ ही लोग सोचते होंगे कि सिर्फ एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी तौर पर उसको मारा गया है। मुस्लिम आइडेंटिटी के तौर पर अगर देखा जाए, मुस्लिम आइडेंटिटी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा चीज जुड़ी है कि उनको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि गौ हत्या के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर मासूमों की जान ली जा रही है। एक बच्चा जो एक अच्छी पढ़ाई कर रहा था, जो चीजों को सीख रहा था और जान रहा था कि देश के अंदर वो जमहूरियत वो सामाजिक न्याय को कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा, उसी को ध्यान रखते हुए वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन साथियों, इन गौर शिक्षकों ने, इन मनोवैज्ञानिक ताकतों के लोगों ने उस चीज को उभरने नहीं दिया, उस सोच को उभरने नहीं दिया, जिसके कारण आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। साथियों, अखलाक का मामला हो, चाहे इस देश के अंदर पुणे में जो घटा, चाहे जो सहारनपुर में घटा, उसको आपको सोचना होगा, उसको समझना होगा। वो घटना इस तरह की नहीं है कि कोई आया और रोक करके चला गया। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ उसके उपयोग उसके साधन होते हैं, जिसके कारण से वो लोग उस चीज को करते हैं। अचानक से क्या हुआ कि यूपी के अंदर ठाकुर वहां मारता जा रहा है? ऐसा क्यों है कि बीजेपी गवर्नमेंट डालती है और ब्राह्मण जो ब्राह्मणी का जो चेहरा है वो दिखना शुरू हो जाता है? साथियों, हमको समझना होगा अनिता के इस केस को। जब एक बच्ची 12वीं के अंदर 1176 नंबर ला करके अपनी मैरिट, जिसको मानते भी नहीं है, मैरिट इज द फूड, मैरिट इज ए फॉर्म ऑफ ए स्ट्रक्चर, जिसको एक संरचना के तौर पर बनाया जाता है। साथियों, अगर देखा जाए उस बच्चे ने उस व्यवस्था को, उस व्यवस्था के साथ साथ उस संरचना को भी चैलेंज किया, जिसके लिए आज हमारे बीच से रोहित मेमुला हो, चाहे IIT मुंबई के केस हो, IIT दिल्ली के अंदर केस हो, चाहे फिर जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के केस हो, उन सब चीज़ों को देखना होगा। अनिता जब अपनी पढ़ाई करती है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे सबसे पहला ये होता है कि हम कौन सा सूत्र याद करेंगे, केमिस्ट्री का कौन सा सूत्र याद करेंगे, बायोलॉजी का कौन सा सूत्र याद करेंगे, और उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले समय में अपने समाज को कहाँ लेकर के जाएंगे और कौन सी ऐसी वो नीति होगी जिसके अंदर वो समाज का, उस बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा, जिसके अंदर वो रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा जो इन सब चीजों को, इन सब ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देता है। साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मोदी किस तरह से देश के अंदर लोगों को बहका रहे हैं। उससे छोटा एग्जाम्पल ये है कि जब एक व्यक्ति पजामा सिलवाने दर्जी के पास जाता है और वो कपड़ा गलती से काट देता है तो फिर वो जो है कच्चे के फायदे गिराने शुरू कर देता है। इस तरीके की चीजें मोदी भी करते हैं, डिमोनिटाइजेशन लाए और फिर उसके बाद जो देखने को मिला कि वो किस तरह से षड्यंत्र, किस तरह से उसके अंदर तमाम लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग, कमजोर अखिलेश लोग, उनको किस तरह से ठगा गया और इस देश के अंदर सर्वांगीण विकास के नाम पर, सबके साथ सबके विकास के साथ किस तरह से धोखा किया, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे देश के अंदर स्टूडेंट का मामला हो, चाहे देश के अंदर किसानों की आत्महत्या का मामला हो, वो लोग जो मार्ग स्वाभिमान बोलते हैं कि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इसकी लड़ाई साथी ऐसी नहीं लड़ी जाएगी, इसकी लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ी जाएगी, जिसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने। साथियों, हमें जानना होगा और असली दुश्मन को पहचानना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या फिर किसानों के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बात, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि PSU इस प्रोग्राम को करने में इसलिए सफल हुआ है क्योंकि उनके साथ वो लोग जुड़ चुके हैं जिन्हें असली जानकारी हो चुकी है कि समाज के अंदर क्या चल रहा है, इस देश के अंदर वर्तमान सरकार क्या कर रही है, यूपी में क्या घट रहा है, तमिलनाडु में क्या घट रहा है और अनेक राज्यों में क्या क्या घट रहा है, उसकी जानकारी हो चुकी है। देश भी यूथ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर उतर चुका है। अब हम इस बात से कह देना चाहते हैं कि मोदी और योगी, आप जान लीजिए, जब युवा भी लोग
अपनी आवाज बुलंद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस देश के अंदर आरएसएस भी कांपेगा और बजरंग दल भी कांपेगा और वीएसपी भी कांपेगा। साथियों हमें जानना होगा और पहचानना होगा उस चीज को जो इस देश के अंदर तमाम सरकारों को, तमाम राज्य की सरकारों को अपने विचारों से अभिभूत करते हुए यह बताए कि इस देश के अंदर वर्तमान सरकार कितना गलत कर रही है, क्योंकि जानना होगा और पहचानना होगा उस चीज को जब रोहित कमला के साथ एक इंसिडेंट होता है और एक मेरिटोरियस व्यक्ति जब अपने लड़ाई लड़ता हुआ जब ये कहता है मैं सैटेलाइट तो उसको समझना होगा। जब वो ये बात रख रहे थे तो उनका कहने का मतलब ये था कि गरीब जब पैदा होता है तो उसके लिए तमाम वो समस्याएं खड़ी होती हैं, तमाम जब वो स्टार्ट करता है अपना कैरियर, पढ़ाई का मामला हो चाहे वो जो है आगे नौकरी का मामला हो, उसको वो सिस्टम और वो स्ट्रक्चर को चैलेंज करना पड़ता है तभी जा करके वो उस चीज़ को आगे ले जाता है। साथियों रोहित कमला इंसिडेंट हुआ, इस देश के अंदर तमाम मूवमेंट हुए लेकिन हम लोग सर आज भी अपने के आंसू लगाए हुए हैं, लेकिन अचानक से एक सदस्य कमेटी मुकुल वाला कमेटी आती है वो बोलती है कि रोहित कमला ने रोहित कमला के चांस हत्या नहीं वो संस्थान गांस हत्या नहीं। साथियों हम उनको बताना चाहते हैं कि रूपन वाला एक दलित नहीं है, रूपन वाला एक मुस्लिम नहीं है, रूपन वाला वो नहीं है जिसका तर्क हम लोगों के यहाँ से निकलता है, वो रूपन वाला वो नहीं है जो इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन को पहचान सके। अनिता के साथ एवरीडे लाइफ में प्रतिदिन के उसमें उन चीज को पहचान सके, लेकिन वो लोग कमेटी बैठाते हैं और अचानक से आते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है, वो आत्महत्या थी, वो संतानी हत्या नहीं थी। मैं कहना चाहूंगा साथियों कि हमें जानना होगा और देसी युद्ध के तमाम लोगों को, इस देश के तमाम युवाओं को मैं आवाज करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा देसी युद्ध के बैनर तले आए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस देश के अंदर तमाम फौजवादी सरकारें चाहे वो देश के अंदर हो या देश के अंदर अलग अलग राज्य में उनका जवाब देना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले माननीय घनश्याम साहब को एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए पॉलिटिक्स, उन लोगों के लिए राजनीति अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, लेकिन हम लोगों के लिए राजनीति सोशल चेंज को लाना है, सोशल डेमोक्रेसी को लाना है, सोशल जस्टिस को लाना है। जय भीम जय भारत।